उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन पर बने पुल पर शनिवार देर रात अज्ञात लोगों ने ब्लास्ट कर दिया। इससे पटरियों पर क्रैक आ गया। मौके पर बारूद भी मिला है। बदमाशों की साजिश पुल को उड़ाने और रेलवे ट्रैक को बर्बाद करने की थी। धमाके से 4 घंटे पहले ही इस ट्रैक से ट्रेन गुजरी थी। घटना के बाद अहमदाबाद से उदयपुर आ रही ट्रेनों को डूंगरपुर में ही रोक दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को ही इस लाइन का लोकार्पण किया था। पटरी वो टूटी हुई है और उसकी FSL जांच कर रही है टीम, और वो टीम जब जांच की अपनी रिपोर्ट देगी तब पता लगेगा कि किस वजह से हुई है। लेकिन सबसे बात ये है कि रेल को डूंगरपुर ही रोक दिया गया प्रशासन ने, और वहाँ पर सारे यात्री उतर गए, सकुशल हैं, और उन सभी यात्रियों को बसों से, रोडवेज की बसों से और प्राइवेट बसों से इंजाम सरकार ने करवा कर उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ दिया है। तो किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई है, और बहुत एक जो हादसा हो सकता था ईश्वर की कृपा से और लोगों की सजगता से, जो लोग सजग थे उन्होंने जो इस रिपोर्ट किया, यह हादसा बचा है। और ये आगे भी अब पूरी सतर्क है पुलिस, पूरी टीम हमारी FSL की लगी हुई है, इंटेलिजेंस टीम लगी हुई है, सब इसको देख रहे हैं इसका क्या कारण। आपको बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है मौके पर ATS, NIA और रेल पुलिस जांच कर रही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। 3 से 4 घंटे में ट्रेनों की आवाजाही सुचारू हो जाएगी। There was an explosion on a track about 35 kilometers away from Udaipur. The teams of state government ATS, central government NIA, railways RPF, all the teams are there on the site. Moment the information came, everybody reached at the site. Investigation is going on. Whomsoever has done this kind of destructive activity, they will be severely punished. We'll go to the logical end to make sure that the people who have tried to destroy the track and cause a big accident, they will be punished to the logical end. Simultaneously, from the point of view of the passengers, the team to restore the bridge is ready on the site. As soon as the preliminary investigation and taking photographs, collecting evidence is completed, within 3 to 4 hours, the track will be restored and trains will start running again. How dangerous it is? We think it is very dangerous because of the recent happenings which have happened in Udaipur. So we are very concerned about it, and we have taken all possible steps, deployed the maximum possible, best possible teams to complete the investigation. वहीं अब सामने आया है कि रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट करने के लिए सुपर पावर 90 कैटेगरी के विस्फोटक को का इस्तेमाल किया गया था। सुपर पावर 90 पैकेज्ड इमल्शन विस्फोटक है, जो एक मजबूत हाई सेंट्रेंट और खतरनाक डेटोनेट को माना जाता है। विस्फोटक के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। जांच टीमें भी विस्फोटक का एनालिस्ट कर रही हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल पर उदयपुर हिम्मतनगर सेक्शन में जावर और खरवा चंदा के मध्य सुबह 8 बजे के आसपास सूचना मिली कि ट्रैक को डेटोनेटर के द्वारा क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है। मौके पर सिविल पुलिस के अधिकारी और रेलवे अधिकारी मौजूद हैं और घटना की छानबीन की जा रही है। इसी क्रम में गाड़ी संख्या 19704 जो कि असरवा से उदयपुर की आती है, इसको डूंगरपुर में शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन द्वारा मामले की पूरी जांच की जा रही है और छानबीन की जा रही है। आपको बता दें, ये ब्लास्ट उदयपुर के जवार माइंस थाना क्षेत्र के केवड़ा की नाल के पास हुआ। जवार माइंस थाने के SHO अनिल कुमार विश्नोई ने बताया कि स्थानीय लोगों ने हमें सुबह विस्फोट के बारे में सूचित किया। हमें ट्रैक पर कुछ विस्फोटक मिले हैं। आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।